आज आप लोग को जो है ना रासायनिक सूत्र बनाने का जो है ना एक छोटा सा ट्रिक बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, हमें नहीं लगता है कि फिर आप किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बाबू। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो किसी भी यौगिक का जो है ना रासायनिक सूत्र आप आराम से लिख लोगे, फिर आप लोग को रासायनिक सूत्र में दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो देखिए, कुछ बात आप लोग को याद भी रखना होगा। जैसे कुछ आयन का हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनका यहाँ पे सूत्र लिखे हैं और उनका यहाँ पे संयोजकता लिखे हैं। तो कुछ हद तक जो है पहले से आपको जानकारी है, कुछ नया है, ठीक है, जो नया है उनको आप याद रख लेना, तभी जो है आप रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का आप लिख पाओगे। जैसे हैलाइड, हैलाइड के अंतर्गत Cl आता है, Br आता है, Ir आता है, F आता है, ठीक है। और सब पर चार्ज है तो जानते हो -1 होता है, जिसके कारण इनका संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। यानी हैलाइड, जैसे हैलाइड के अंतर्गत कौन कौन है, Cl है, Br है, I है, F है, सब हैलाइड के अंतर्गत है। सबका चार्ज क्या होता है, -1 होता है। Cl पर भी चार्ज -1, Br पे भी चार्ज -1, F पे भी चार्ज -1, I पे भी चार्ज -1। तो जिसके कारण जो है हैलाइड, जितने हैलाइड के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उनका संयोजकता कितना होता है, 1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सबको मालूम है सूत्र है, OH- होता है, तो OH- होता है जिसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह साइनाइड का Cl- होता है, ठीक है, साइनाइड आयन का चार्ज सूत्र क्या होता है, Cl- होता है, तो इसका संयोजकता 1। पर मैग्नेट आयन का देखो MnO4- है, तो इनका भी संयोजकता 1। 1 1- में है तो 1 संयोजकता होगा, ठीक है। तो उसी तरह एसीटेट का देखो CH3C- इसका संयोजकता 1। बाइकार्बोनेट का SCO3, बाइकार्बोनेट आयन का, ये सारे आयन है, इनका ये सूत्र है और ये इनका संयोजकता हुआ, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का देख लीजिए, बाइकार्बोनेट आयन का देख लो SCO3-, क्लोरेट आयन का ClO3-, सल्फेट आयन का SO4-2- आ गया, तो जिसके कारण इनका संयोजकता क्या हो जाएगा, 2। कार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट आयन का CO3-, तो इनका संयोजकता 2 है, इस कारण 2। सल्फाइड का देख लीजिए, सल्फाइड आयन का S-2, तो इनका संयोजकता 2, ठीक है। तो इन सारे संयोजकता को आपको कुछ हद तक क्या करना होगा बाबू, याद रखना होगा, तभी आप जो है किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आराम से लिख पाओगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इस यौगिक का नाम से आपको पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H लिख दिए। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है कि नहीं। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। हाइड्रोजन तत्व का संयोजकता निकालने आप लोग को सिखा दिए, तो यहाँ पे आयन का संयोजकता है, इसको याद रख लेना। तो हाइड्रोजन का संयोजकता सब कोई जानते हो, इनका संयोजकता कितना होता है, 1, तो इसके नीचे लिख दिए 1। क्लोराइड का देखिए अभी जस्ट है, क्लोराइड में ClBrIF आता है ना, क्लोरीन Cl, इनका संयोजकता कितना होता है, 1, इसके नीचे लिख देंगे। संयोजकता याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन इस प्रकार से लिख दिया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उनका संयोजकता नीचे लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो H को 1 से गुना करोगे तो H 1 हो जाएगा, यानी H को 1 से गुना करोगे तो H1, Cl को 1 से गुना करोगे Cl1, तो 1 को नहीं लिखा जाता, तो HCl लिख दिया, इसका फॉर्मूला बन गया HCl। उसी तरह देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का सब कोई जानते हो H होता है, होता है कि नहीं होता है, H होता है। और सल्फेट का कितना होता है, देखो यहाँ पे सल्फेट का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा सल्फेट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सल्फेट SO4 होता है, SO4 लिख दिया यहाँ पे सल्फेट, हाइड्रोजन का S, सल्फेट का SO4, सल्फेट का चार्ज देखो, सल्फेट आयन का चार्ज है ना यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है कि नहीं, देखिए तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन का चार्ज SO4 का संयोजकता, सल्फेट का संयोजकता 2 यहाँ पे है ना, SO4 का संयोजकता 2। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे इसके सामने। अब जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H और 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, H2, और SO4 से गुना करोगे आपका क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे वही होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा SO4। तो H2SO4, ये हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na होता है ना, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, देखो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है ना, OH होता है, OH लिख देंगे, ठीक है। OH का संयोजकता कितना होता है, 1, इसके नीचे 1 लिख देंगे। सोडियम का संयोजकता सब को मालूम है, 1 होता है, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaR 1 से गुना करोगे तो N1 हो जाएगा, OH को 1 से गुना करोगे OH1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो NaOH, यानी ये आपका फार्मूला बन गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। उसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम का Al, हाइड्रोक्साइड का OH, एल्युमिनियम का संयोजकता सबको मालूम है 3 होता है, हाइड्रोक्साइड के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Al 1 से करोगे तो Al1 को मत लिखना, ठीक है, Al को 1 से गुना करेंगे Al, और OH को 3 से, तो OH दोनों पे आपको OH पे हॉल 3 हो जाएगा, Al OH पे हॉल 3, ये किसका हो गया,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने आप तभी लिख पाओगे जब तक आप कुछ आयनों का जो है ना संयोगता याद रखोगे, ठीक है। तब आप जो है आराम से क्या कर सकते हो, सूत्र लिख सकते हो। आप जैसे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम का के होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। इसका संयोगता पोटेशियम का सबको मालूम है 1 होता है। हाइड्रोक्साइड का तभी जस्ट देखे ना, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, 1 होता है संयोगता। संयोगता भी याद रखना, आप कोई भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र लिखना है, उसमें कौन कौन सा कौन कौन है, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम है, हाइड्रोक्साइड OH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उनका आप संकेत या सिंबल या सूत्र जो होता है उसको आप लिख दीजिए। तो पोटेशियम का सिंबल K होता है, हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH होता है, लिख दिए। अब उसका जो संयोजकता होता है ना, उसका संयोजकता को नीचे लिख दो। K का संयोजकता सभी को मालूम है, ठीक है। तो K 1 होता है और OH का संयोजकता अभी तो देखिए ना कि 1 होता है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 को याद रखना, 1 को नहीं लिखा जाता। आप कितना 1 1 को लिखेंगे, तो K 1 से गुना करेंगे, K OH को 1 से गुना करेंगे, OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH। उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम तो K हो जाएगा, ऑक्साइड का O हो जाएगा। तो इसका तो संयोजकता K का 1 होता है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का संयोजकता यहाँ पे है ना, ऑक्साइड है कि नहीं, ऑक्साइड है इसका देख लीजिए संयोजकता है ना 2 यहाँ पे ऑक्साइड, तो इसके सामने 2 लिखेंगे। अब इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K और 2 से करोगे, के 2 और ये 1 यानी के 2 O हो गया। तो इस तरह से पोटेशियम ऑक्साइड का हो गया के 2 O, ठीक है। चलिए तो पोटेशियम ऑक्साइड का हम सूत्र बना लिए। अब पोटेशियम ब्रोमाइड का, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का भी बनाएंगे, पोटेशियम के ब्रोमाइड का Br, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के से 1 से गुना करेंगे, के Br को 1 से गुना करेंगे Br, तो के Br, ये के Br हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड का। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का होता है CO3, तो कैल्शियम का संयोजकता सभी को मालूम है 2 होता है, और CO3 का कितना होता है, देखो यहाँ पे CO3 है ना, यहाँ पे CO3 2 होता है, 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca2 और CO3 पे ऑल 2, तो 2 2 कट गया, 2 2 बराबर है ना, तो हो जाएगा CaCO3, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। तो इसी तरीका से हम लोग करेंगे, आगे भी फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो कोई दिक्कत नहीं, के लिखा जाएगा। और डाइक्रोमेट का क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है, तो के का चार्ज 1 होता है और Cr2O7 का होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा K2 हो जाएगा, और ये 1 से गुना करोगे तो वही होगा Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला निकल गया, K2Cr2O7। अब सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड है तो इनका भी सूत्र बन ही जाएगा, सबका बन रहा है तो इनका काहे ना बनेगा, इनका भी बनाएंगे। तो सोडियम का Na हो जाएगा, और क्लोरेट का, क्लोरेट 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 दिखाते हैं, क्लोरेट क्लोरेट का दिखा रहा है आपको, देखिए क्लोरेट का है ना यहाँ पे ClO3 होता है, पता है ना उसका सूत्र क्लोरेट का, तो क्लोरेट का लिख देंगे, संयोगता भी 1 होता है। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं क्लोरेट का। तो क्लोरेट कहाँ है आपका, यहाँ पे है, सोडियम का लिख दिए, क्लोरेट का होता है ClO3 होता है, इसका भी संयोगता 1, इसका भी संयोगता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो NaClO3, ये सोडियम क्लोरेट का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन का H, परऑक्साइड का क्या होता है, O2 होता है, क्या होता है, O2, तो इसका होता है 1 और इसका होता है 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो है ना यहाँ पे O2, परऑक्साइड का O2 होता है, 2 संयोगता होता है, O2 लिखे, 2 लिखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H2O2 1 से गुना करो, O2 ये बात, तो H2O2 ये पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब जिंक सल्फाइड, तो ZN हो गया, और सल्फाइड का सबको मालूम है क्या होता है, S होता है, इसका चार्ज 2 होता है, और जिंक का क्या होता है मालूम है, जिंक का भी क्या होता है, 2 होता है, तो आपका हो जाएगा ZN2H2, तो 2 2 कट गया, हो गया ZNS, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं फार्मूला को, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जैसे सोडियम बोरेट, तो सोडियम बोरेट का Na, बोरेट का होता है BO3, इसका होता है 3, इसका होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Na3BO3, ये सोडियम बोरेट का हो गया फार्मूला, ठीक है। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम हो गया, अब बाइकार्बोनेट का आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है, HCO3 होता है,
इसका दो इसका वन, तो हो जाएगा एम जी एच सी ओ थ्री पे हॉल टू, हो गया ना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का हो गया टू संयोगता और बाइकार्बोनेट का होता है वन, जैसे एच सी ओ थ्री, तो क्रॉस मल्टीला एम जी और वन से एम जी एच सी ओ थ्री को, तो एम जी एच सी ओ थ्री पे हॉल टू, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फेट हुआ, हाइड्रोजन का एच और हाइड्रोजन फास्फेट, और फास्फेट का होता है पी ओ फोर, इसका होता है वन, इसका होता है थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एस थ्री पी ओ फोर, ये आपका हाइड्रोजन फास्फेट का हो गया। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।